गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर जीके क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 27, द अर्थ एंड इट्स नेबर्स. स्टूडेंट, ओपन योर जीके बुक पेज नंबर 38 एंड चैप्टर नंबर 27, द अर्थ एंड इट्स नेबर्स. मीन्स द अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी एंड इट्स नेबर्स. नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, यानी कि पृथ्वी और उसके आसपास उसके पड़ोसी, उनके सबके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पुट योर फिंगर ऑन योर बुक ऑन पेज नंबर 38. ओके, स्टार्ट करते हैं. द स्काई इज फुल ऑफ हेवनली बॉडीज. स्टूडेंट, हम स्काई देखते हैं, आसमान देखते हो आप लोग, वहाँ पे क्या है, वो पूरे हेवनली बॉडीज से पूरा भरा हुआ है. हेवनली बॉडीज का मतलब सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स. मीन्स जो स्काई है वहाँ पे क्या क्या होता है, सन होता है, मून होता है, स्टार्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं बहुत सारे. तो ये सारी चीज़ें आपके स्काई में होती है. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. अब वॉट इज सोलर सिस्टम? स्टूडेंट, आपने ईवीएस में पढ़ रखा है सोलर सिस्टम क्या होता है. सोलर सिस्टम होता है, स्टूडेंट क्या आप जानते हो प्लैनेट्स कितने होते हैं? देयर आर एट प्लैनेट्स. एट प्लैनेट होते हैं, जैसा कि आप अपनी पिक्चर में देख सकते हो. आपको डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कलर के बॉल्स जैसे दिख रहे हैं. अब देखिए, इसमें जो रेड कलर का बहुत बड़ा सा साइड में बॉल है, ये है हमारा सन. ओके, और उसके बाद जितने भी एट छोटे छोटे आपके डिफरेंट कलर के बॉल्स दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स. और इन सब को मिला के हमारा बनता है सोलर सिस्टम. ओके, तो जो आपका सन होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, बीच में होता है. और जो भी आपके एट प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर होते हैं. मीन्स सेंटर में, बीच में सन होता है और उसके चारों ओर एट प्लैनेट्स घूमते रहते हैं. ओके, द सन एंड द एट प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट अलोंग विद देयर सैटेलाइट्स मेक अप द सोलर सिस्टम. द सन एंड द एट प्लैनेट्स मीन्स जो सन है और एट प्लैनेट, प्लैनेट मीन्स ग्रह. सन और एट प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट अलोंग विद देयर सैटेलाइट्स. हर प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट होता है, हर ग्रह का उपग्रह होता है. ओके, प्लैनेट का सैटेलाइट और प्लैनेट जो सन के चारों ओर घूमते हैं, ये सब मिलके बनता है हमारा सोलर सिस्टम. क्लियर? सो आपका सोलर सिस्टम क्या होता है? सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स घूमते हैं, इन सबको मिला के बनता है हमारा सोलर सिस्टम. नाउ कैन यू नेम द एट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? राइट द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स गिवन. स्टूडेंट, आपको इसमें क्लू बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि जो रेड कलर का बहुत बड़ा सा आपको सर्कल दिख रहा है वो क्या है, आपका सन है. बाकी के जो छोटे छोटे आपको डिफरेंट कलर कलर के जो आपको बॉल्स जैसे दिख रहे हैं, वो आपके प्लैनेट्स हैं. तो इन्हीं प्लैनेट्स को हमें नाम देना है, इन्हीं प्लैनेट्स के हमें नेम को राइट करना है. ओके, सो स्टूडेंट, सन के सबसे पास नंबर वन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे प्लैनेट्स को नंबर दे देंगे. ठीक है, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तक हमने हर एक प्लैनेट को 1 से लेके 8 तक का नंबर दे दिया. ओके, तो सन के पास जो सबसे पहला प्लैनेट होता है सन के पास, उसका नाम है मर्क्यूरी. यानी कि जो नंबर 1 वाली आपको बॉल दिख रही, इस प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी. सेकेंड वाले प्लैनेट का नाम है वीनस. थर्ड वाला प्लैनेट आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप पहले देख चुके हो क्योंकि आप इसी प्लैनेट में रहते हो. दिस इज अर्थ. आप कहाँ रहते हो? आप अर्थ में रहते हो. सो नंबर 3 में क्या आया? अर्थ. नंबर फोर वाले प्लैनेट को हम कहते हैं मार्स. देन नंबर फाइव वाले प्लैनेट को हम बोलते हैं जुपिटर. नंबर 6 वाले प्लैनेट का नाम है सैटर्न. नंबर 7 वाले प्लैनेट का नाम है यूरेनस. और नंबर 8 वाले प्लैनेट का नेम है नेपच्यून. क्लियर स्टूडेंट? सो सेंटर में क्या होता है? हमारा सन होता है और बाकी 8 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब सन के अराउंड घूमते हैं. क्लियर?
सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको सिर्फ प्लैनेट्स के नेम पढ़ना है और उन्हें रिकॉग्नाइज करना आपको आना चाहिए कि ये कौन सा प्लैनेट है. ओके, सो आप नंबरिंग गलत नहीं करिए, आप नंबरिंग यही रखिए और उसके बाद हर एक 1 से लेके 8 तक के प्लैनेट के नेम को राइट करना है. स्टूडेंट, ये वर्क आप सिर्फ अभी बुक में करोगे, कॉपी का वर्क मैं आपको बाद में करवाऊंगी. ओके, सो आप अपने बुक में इन सारे प्लैनेट्स के नेम को विद स्पेलिंग बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करोगे और विद स्पेलिंग आपको सारे प्लैनेट के नेम को लर्न भी करना है. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क.